कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था के नाम पर पूर्ण रूप से फेल है। हमने देखा है, सुना है कि जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पर पुलिस काम करती है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे ज्वलंत बलिया की घटना हो। पांच पांच पुलिस वाले लपट करके उसको पकड़ रहे हैं, जिप्सी में बैठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, फिर बिचवे में ऊपर से फोन आ जा रहा है, छोड़ दे रहे हैं। ये ऊपर वाले कौन लोग हैं? अपराधियों को संरक्षण देने दिलाने वाले कौन लोग हैं? बीजेपी का नेता अगर रेप करे, बीजेपी का नेता गोली मारे, बीजेपी का नेता हत्या करे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उसके खिलाफ पुलिस मूक दर्शक बन करके काम करती है। हाथरस में आपने देखा कि अपराधियों को बचाने के लिए सरकार किस स्तर तक उतर गई। तो पूर्ण रूप से ये गुंडा युक्त और भ्रष्टाचार युक्त प्रदेश को बना दिया है। और ये अब उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अपराधी प्रदेश हो गया है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर थोड़ा सा भी मानवीय गुण हो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और गोरखपुर चले जाना चाहिए। और आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय से कहना चाहूँगा कि 24 करोड़ आबादी को अमन चैन से अगर रखना चाहते हैं, इनकी खुशहाली चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बगैर राष्ट्रपति शासन के अब उत्तर प्रदेश में अपराधी कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। विधायक जी का भी नाम आया है उसमें, कई बीजेपी नेताओं का भी नाम आया है, तो क्या लगता है कि विधायक जी को इस्तीफा देना चाहिए? उनके साथ तस्वीरें भी आई है, वीडियो भी आया है। देखिए, उनके इस्तीफा देने से उत्तर प्रदेश का अपराध खत्म नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का अपराध, उत्तर प्रदेश का हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, ये खत्म होगा जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगेगा। तब किसी विधायक, किसी मंत्री के इस्तीफा देने से उत्तर प्रदेश में अमन चैन नहीं आ सकता। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को